नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी बकेट में। आज हम आपको लेके आए हैं सहस्त्रधारा रोड में, विंसर कोर्ट में। आप देख रहे हैं ये पूरी सोसाइटी है विंसर कोर्ट, जो कि सहस्त्रधारा रोड ऑन रोड है। यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल ये सहस्त्रधारा रोड चल रही है आपकी। IT पार्क से मात्र आधा किलोमीटर ऊपर है ये सोसाइटी। आपको एक बार अंदर लेके चलते हैं, टूर कराते हैं इस पूरी सोसाइटी का। आइए। दोस्तों, जैसा लोकेशन के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, सहस्त्रधारा रोड इसकी लोकेशन है। IT पार्क से ये आधा किलोमीटर ऊपर है पूरा प्रोजेक्ट, जिसमें कि ABCD चार टावर हैं। और आप देख सकते हैं छोटा ये बच्चों के लिए पार्क है यहाँ पे बना हुआ है, किड्स प्ले एरिया, झूले लगे हैं इस पे, आपका सिटिंग अरेंजमेंट है। दोस्तों, ये जो टावर आपको दिख रहा है, डी टावर, सी टावर और बी टावर, ये टोटली सोल्ड आउट है। आइए आपको दिखाते हैं ए टावर, जिसका पोजीशन हम लोग मार्च तक हैंडओवर कर रहे हैं। आइए। दोस्तों, अब हम आ गए हैं विंसर कोर्ट के ए ब्लॉक में, जो कि पोजीशन के लिए लगभग तैयार है। 3 महीने के अंदर हम लोग इसका पोजीशन दे रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी लॉबी दे रखी है, काफ़ी वाइड, काफ़ी चौड़ी लॉबी दे रखी है। हर दरवाजों के आगे आपके पास लिफ्ट एरिया है। एक लिफ्ट एरिया ये हो गया, एक लिफ्ट एरिया ये हो गया। दो फ्लैट्स हैं हमारे पास, एक ब्लॉक में हमारे पास दो फ्लैट है, एक फ्लोर में दो फ्लैट है हमारे पास। एक फ्लैट ये है, एक फ्लैट वो, तीसरा ये, चौथा ये। आप देखिए पैसेज, काफ़ी अच्छा पैसेज, दोनों के अगल बगल बिल्कुल लिफ्ट लगी हुई है। आइए अब देखते हैं अपना 3BHK फुली फर्निश्ड फ्लैट। यह है शानदार 3BHK फुली फर्निश्ड फ्लैट, 1875 स्क्वायर फीट का। जैसा आप देख रहे हैं यहां पे डोर के बगल में आपको पूरी एक कवर दे रखी है, इसमें आप अपना इन्वर्टर रख सकते हैं, काफी स्पेशियस है। अपना इसको शू रैक बना सकते हैं, आते साथ अपने शूज यहां पर उतार सकते हैं, आप अपना कुछ और भी सामान इसके ऊपर रख सकते हैं आराम से, काफी अच्छा स्पेशियस है ये। ये हमारा सबसे पहला हमारा गेस्ट रूम आता है। एंटर होते साथ यहां पे एक पूरा गेस्ट रूम दे रखा है, जो कि काफी अच्छा स्पेशियस गेस्ट रूम है। आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन, बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन दे रखा है यहां पे। दीवार का टेक्सचर बहुत अच्छा है, देख सकते हैं स्विचेस, दोनों तरफ स्विचेस लगा रखे हैं। आपका टीवी पैनल बिल्कुल मैचिंग करता हुआ, आपको ये सारी चीजें जैसे दिख रही हैं फुली फर्निश्ड, वैसे ही पूरी मिलेंगी आपको। टीवी, आपका AC, आपका बेड, वार्डरोब आप देख सकते हैं, काफी अच्छा वार्डरोब है हमारा। ये गेस्ट रूम के साथ वार्डरोब, और यहां पर खुलती है हमारी एक काफी चौड़ी वाइट बालकनी। ये बालकनी जो है हमारी गेस्ट रूम से भी अटैच है, और हमारी ये ड्राइंग रूम के साथ भी अटैच है। दोनों बालकनी रनिंग बालकनी है, गेस्ट रूम और ड्राइंग रूम, काफी वाइट बालकनी है ये। इसके बगल में अगर मैं बताऊं तो इसके बगल में काफी ओपन स्पेस है, ये विंसर कोर्ट का ही है, इसके बगल में रोड है, तो ये जो एरिया है आपका हमेशा यहां से खाली रहेगा। और धूप इस पूरे अपार्टमेंट में सुबह से लेकर शाम तक की धूप है। आइए देखते हैं इसके साथ अटैच वॉशरूम जो बना रखा है। आइए दोस्तों देखते हैं अपना ड्राइंग रूम कैसा है। बात करें दोस्तों यहां पे इस ड्राइंग रूम के वुडन वर्क देखिए आप, बहुत ही शानदार वुडन वर्क, बहुत अच्छी पॉलिश के साथ यहां पर चमचमाता हुआ वुडन वर्क यहां पर हो रखा है। ये है पूरा हमारा ड्राइंग रूम, आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस ड्राइंग रूम है ये, सोफे के साथ। आप देख सकते हैं इसमें अगर ऊपर अगर आप नजर डालेंगे एक बार, बहुत ही सुंदर झूमर इसमें लगा हुआ है पंखों के साथ। और ऊपर अगर आप देखें फॉल सीलिंग में, इसमें लकड़ी का काम किया हुआ है, टोटली इसमें लकड़ी का काम किया हुआ है फॉल सीलिंग में। आगे आप देख सकते हैं टीवी पैनल, ये हमारा टीवी पैनल जिसमें की स्पेशियस है, ड्रॉर है, काफी सामान इसमें आ सकता है आपका।
छोटा बड़ा काफी सारा सामान इसमें आ सकता है। काफी बड़ा टीवी पैनल आपको मिल रहा है, वॉल टेक्सचर्स बहुत अच्छे हैं। बात करेंगे इस ड्राइंग रूम से अटैच, आपको यहाँ पे एक बालकनी मिल रही है, काफी वाइड बालकनी है जिसमें कि सुबह से लेकर शाम तक की आपकी धूप रहती है। साउथ फेसिंग ये बालकनी है तो इसलिए धूप जो होती है सुबह भी आ रही है यहाँ पे और शाम तक रहती है, जब तक सूरज यहाँ पे दिखेगा धूप रहेगी यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा एरिया काफी अच्छा एरिया है, पूरे सोफा, सेंटर टेबल, आपको एसी, पंखे, झूमर, सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है। 3 BHK 1875 स्क्वायर फीट का ये रहा ड्राइंग रूम। दोस्तों बहुत ही शानदार 3 BHK है, आपको इसकी रेट की जानकारी के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा, कृपया आप पूरा वीडियो देखिए। आइए एक बार देखते हैं अपना डाइनिंग एरिया कैसा है। ये हमारा पूरा डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे आपको पूरा ये डाइनिंग सेट मिल जाता है, डाइनिंग टेबल के साथ ये चेयरें मिल जाती हैं, और ये हल्का से वुडन का पार्टीशन हो रखा जिसपे कि मैंने आपको बताया है बहुत अच्छा पॉलिश हो रखा। अगर आप देखें ये वाला जो एरिया है इसका, इसका फ्रंट का एरिया जो है ये भी पूरा वुडन से है, पूरा वुडन का एरिया है, काफी अच्छी काफी शानदार पॉलिश। इसमें भी आप अपने सजावट के चीजें रख सकते हैं सजाने के लिए, इस ड्राइंग रूम, इस डाइनिंग रूम को और अच्छा बनाने के लिए। इस डाइनिंग रूम के ठीक फ्रंट में आप देख रहे हैं जैसा ये किचन है, काफी स्पेशियस किचन, अगर आप देखें बहुत अच्छा स्पेशियस किचन, बहुत अच्छा काम इस किचन में हो रखा है, बहुत ही सुंदर काम हो रखा है। टाइलिंग का जो वर्क है अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार टाइलिंग लगा रखी है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये दे रखा टाइलिंग का। आप देखें बात करें इसके कवर्स की, बहुत ही ज्यादा इसमें आप देखिए काफी स्पेशियस है। बात करेंगे चिमनी की, यहाँ पे पूरी चिमनी है, चिमनी के बगल में आप देखिए पूरा स्पेशियस है हमारा ये। आपको किचन में स्पेस की काफी जरूरत पड़ती है क्योंकि किचन महिलाओं की गृहस्थी होती है, गृहस्थी का सामान आपको प्रॉपर आना चाहिए, इसलिए देखिए हर तरफ से यहाँ पे स्पेस पूरा आपको अवेलेबल है। यहाँ पे आपका वॉश बेसिन आ गया, किचन के साथ आपको अटैच यहाँ पे ये बालकनी मिल रही है, रनिंग बालकनी है ये भी, ये किचन के साथ भी बालकनी है, ये बालकनी जो है साथ में बगल में आपका जो बेडरूम है एक उसके साथ भी बालकनी है। आप देखिए ये मार्बल जो यूज किया हुआ बहुत ही प्यारा सुंदर मार्बल, इसके साथ जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा है। चिमनी आपके पास है, फ्रिज की बात मैं बात करूं तो फ्रिज यहाँ पे आपको मिल जाता है। आइए चलते हैं आगे, आगे हमें मिल जाता है स्पेशियस बाथरूम। आप देख सकते हैं यहाँ पे पल्लों में भी काफी अच्छा काम किया हुआ है, इसमें देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेशियस बाथरूम। आपकी जो फिटिंग्स है पूरी ब्रांडेड फिटिंग्स हो रखी है इस बाथरूम में। ये एक कॉमन वॉशरूम हो गया, जैसे कोई आपके गेस्ट वगैरह आते हैं उसके लिए ये वॉशरूम आप यूज कर सकते हैं। वॉशरूम के अपोजिट हमारा एक ये बेडरूम आ गया, बेडरूम आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस बेडरूम है। यहाँ देखिए यहाँ पे कितना अच्छा स्पेस यहाँ पे दे रखा है, पूरा ये काफी स्पेशियस बेडरूम यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। बेडरूम के आगे हमारे पास ये आपका टीवी आ जाता है, टीवी पैनल आ जाता है, और अगर आप कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे दीवारों का कलर कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे दे रखा है। स्विचेस बोर्ड, बाकी वार्डरोब यहाँ पे स्पेशियस वार्डरोब। यहाँ पे भी पूरा आपका एक एसी, बेड, टीवी, और इसके साथ अटैच हमारे यहाँ पे एक वाइड बालकनी है। जैसे मैंने बताया बालकनी काफी स्पेशियस है और यहाँ पे भी सुबह से लेकर शाम तक की धूप है, बगल में आपके रोड है इसलिए यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। आगे आप देख सकते हैं सहस्त्रधारा रोड, ऑन रोड यहाँ पे है आगे। अब ले चलते हैं आपको अपने थर्ड बेडरूम में, काफी स्पेशियस बेडरूम, मास्टर बेडरूम काफी स्पेशियस। आप देख सकते हैं वेंटिलेशन प्रॉपर है, प्रॉपर वेंटिलेशन, यहां से आपको एक बालकनी मिल जाती है, वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा है। बेडरूम के साथ, इस मास्टर बेडरूम के साथ हमें एक छोटा सा स्टोर मिल जाता है, आप देख सकते हैं छोटा सा स्टोर। इस रूम को आप कई तरीके से रूम यूज कर सकते हैं, एज अ स्टोर रूम आप यूज कर सकते हैं, आप इसको पूजा घर बना सकते हैं, आप इसको स्टडी रूम बना सकते हैं, किसी तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं अब यहाँ वॉशरूम की, वॉशरूम के आगे ये हमारा पूरा वार्डरोब है,
काफी स्पेशियस वार्डरूम, आप नीचे भी देख रहे हैं ऊपर भी देख रहे हैं, काफी स्पेशियस वार्डरूम। और जो ये लकड़ी पे काम किया गया है, ये पल्लों पे जो काम किया गया है, बहुत अच्छा काम किया गया है। आइए एक बार वॉशरूम देखते हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम। ये वॉशरूम भी काफी स्पेशियस है, यहाँ पे ग्लास का पार्टीशन आपको मिल जाता है। आपको इस मास्टर बेडरूम के साथ, आप देख रहे हैं पल्ले में बहुत अच्छे काम हो रखे हैं, स्विचेस मिल रखे हैं आपको चार्जिंग के लिए, साइड में टेबल आपको दे रखी है, आप यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं। इसके नीचे ड्रॉअर भी है, ड्रॉअर के अंदर भी आप अपना सामान रख सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार 3 BHK है ये। 1875 स्क्वायर फीट में सुपर एरिया जो है इसका 1875 स्क्वायर फीट है, 1875 स्क्वायर फीट में बना हुआ है पूरा 3 BHK। ये सहस्त्रधारा रोड लोकेशन है, IT पार्क से आधा किलोमीटर दूर, ऑन रोड प्रोजेक्ट है विंडसर कोर्ट। दोस्तों आइए बात करते हैं ये प्रॉपर्टी आपको क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहले तो बहुत ही स्पेशियस है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही डिजाइन इसका अच्छा है। पहला कारण तो आपका ये है क्योंकि पूरा स्पेशियस है, 1875 स्क्वायर फीट एरिया है। दूसरा ऑन रोड प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, शहर की प्राइम लोकेशन में ये प्रॉपर्टी है। शहर की प्राइम लोकेशन बात करूँ तो IT पार्क। कल की डेट में अगर आपको इस प्रॉपर्टी को रेंट में भी चढ़ाना होगा तो IT पार्क होने के कारण यहाँ पे आपको रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी मिल सकती है। 20,000 से 25,000 रुपये आज की डेट में यहाँ पे रेंटल इनकम है, जो कि प्राइम प्रॉपर्टीज वाली प्राइम प्रॉपर्टीज में मिलती है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लोकेशन है सहस्त्रधारा रोड, सहस्त्रधारा रोड में पॉल्यूशन फ्री एरिया, अभी भी आज तक भी यहाँ पे एरिया जो है ये पूरा पॉल्यूशन फ्री एरिया है। आपके हेल्थ वाइज भी अगर देखें तो ये बहुत ही सुंदर रोड है, इस समय भी आज की डेट में भी बहुत सुंदर रोड है, ये पॉल्यूशन फ्री एरिया है। यहाँ से जो हिल का व्यू दिखता है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शानदार व्यू हिल्स का यहाँ से दिखता है। पॉल्यूशन फ्री एरिया हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नज़दीक हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पे नज़दीक हो गई, आपका प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी बहुत हो गया। और जो दाम इसमें रखे गए हैं उस दाम को अगर आप सुनेंगे तो इस दाम में आपको, इस कॉस्ट में आपको 3 BHK 1800 स्क्वायर फिट फुली फर्निश्ड पूरी सहस्त्रधारा रोड में पूरे देहरादून में आपको नहीं मिलने वाला। दोस्तों ये सहस्त्रधारा रोड पे प्रोजेक्ट है और यहाँ से सहस्त्रधारा जो कि एक पिकनिक पॉइंट है, मात्र 6 किलोमीटर की दूरी में आपको सहस्त्रधारा रोड सहस्त्रधारा पिकनिक पॉइंट आपको मिल जाता है। मसूरी की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ से मसूरी का डिस्टेंस मात्र 22 किलोमीटर है। अगर मैं बात करूँ घंटाघर की तो घंटाघर यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी में है। राजपुर रोड जो कि देहरादून शहर की जान है, राजपुर रोड मात्र यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी में है। तो ये प्रोजेक्ट सेंट्रली लोकेटेड प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, 3 BHK है, फुली फर्निश्ड है। जैसा आपको इस प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है सारी चीज़ें आपको वैसी मिलेगी। और एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपको कुछ इसमें कस्टमाइज भी कराना है तो इसकी भी बिल्डर ने जो है पॉसिबिलिटी रखी हुई है, कुछ कस्टमाइज भी अगर आपको इसमें चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे फर्नीचर वगैरह नहीं चाहिए तो वो चीज़ भी आपको हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं अब इसकी एमिनिटीज़ की, इस सोसाइटी में आपको क्या एमिनिटीज़ मिल रही है। सबसे पहले तो ये है 7th फ्लोर का है, इस पर पूरे 7 फ्लोर हैं। एमिनिटीज़ की बात करें तो आपको एक चिल्ड्रंस पार्क मिल जाता है झूलों के साथ, काफ़ी स्पेशियस चिल्ड्रन पार्क है ये, जिसमें कि आप छोटे बच्चों को खेलने के लिए है। इसमें आपको जिम मिल जाता है, इसमें आपको क्लब हाउस मिल जाता है, इसमें आपको एक जॉगिंग ट्रैक मिल जाता है। ये एमिनिटीज़ इस 3 BHK फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट के साथ आपको मिलने वाली है। दोस्तों आखिरी में बात करते हैं इसकी कॉस्ट की, इसके दाम की, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। इतने सुंदर 3 BHK फुली फर्निश्ड 1875 स्क्वायर फीट सुपर एरिया का जो दाम रखा गया है, मात्र 90 लाख रुपये, मात्र 90 लाख रुपये इसका दाम है। अगर आप अगल बगल कोई सोसाइटी पता करेंगे तो वही 1800 स्क्वायर फिट में जो आपको मिलेगा वो कम से कम 1 करोड़ के ऊपर जाएगा, मगर ये जो दाम रखे हुए हैं बिल्डर ने, बहुत ही अच्छे दाम रखे हुए हैं, मात्र 90 लाख रुपये में आपको मिल रहा है 3 BHK फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट। दोस्तों अपना प्यार और अपना आशीर्वाद आपके अपने इस चैनल पर ऐसे ही बनाए रखना। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि किसी जरूरतमंद को अपना घर का आशियाना मिल जाए। धन्यवाद।